दोस्तों, अगर आपको भी नटराजन की गेंदबाजी आज की पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में यॉर्कर किंग नटराजन लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि भारत को नया यॉर्कर किंग मिल गया है जिसका नाम है टी नटराजन, जो कि पिछले दो मैचों में भारत को शानदार जीत दिला चुका है। जी हाँ, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले T20 मैच में नटराजन ने अपना T20 करियर का भी आगाज कर दिया और इस मैच में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस T20 मैच को हार जाएगी, लेकिन अंत में नटराजन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम कर लिए। इसमें सबसे अहम विकेट था मैक्सवेल का। अगर मैक्सवेल थोड़ी देर और मैदान में टिक जाते तो वो पूरे मैच का रुख ही बदल देते। ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय कप्तान विराट कोहली का कहना था। विराट कोहली का कहना था कि नटराजन ने जो मैक्सवेल का विकेट निकाला वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस विकेट ने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। आपको बता दें कि नटराजन की गेंद पर जोरदार अपील के बाद एम्पायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने इस युवा खिलाड़ी के साथ देते हुए बिना पूछे ही DRS ले लिया और उसमें साफ हो गया कि नटराजन को अपना पहला T20 विकेट मिल गया। इसके बाद नटराजन नहीं रुके और उन्होंने 3 विकेट अपने नाम कर लिए। नटराजन के इस प्रदर्शन के बाद चारों तरफ से नटराजन की तारीफ हो रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि नटराजन भविष्य के भारत के स्टार हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में यॉर्कर किंग नटराजन लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भारत के पास अब तक ऐसा यॉर्कर गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज कोई नहीं आया जो लगातार 6 की 6 गेंद यॉर्कर डाल सके।